यादव को संदेश देना चाह रहा है कि हम श्याम यादव को वोट करके भले भाजपा जीत जाए, हम बाबू कुशवाहा को वोट नहीं करेंगे। ये चीज जो है कोई से आपको दावे के साथ में कह सकता हूँ, विकास के नाम पे जौनपुर बनी बहुत पीछे है। मोदी का और योगी का पूरी तरह से लहर है, पूरे देश में लहर है और यहाँ पे जीतना तय है, लाखों वोट से जीतेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ शावनी पटनायक। सुबह सुबह आज हम मौजूद है जौनपुर के उमानाथ सिंह स्टेडियम में। हम बात करेंगे आज जौनपुर के बारे में, जौनपुर के जनता के मन में क्या है। उससे पहले यहाँ का जरा नजारा सुबह सुबह के दिखा देती हूँ। आप देखिए कि स्टेडियम में किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे मौजूद है जो गेम्स एक्टिविटीज कर रहे हैं। इसके साथ ही आप जो युवा है यहाँ पे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं और इसके साथ ही जो बुजुर्ग है यहाँ पर सुबह से प्राणायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये एक नजारा है जहाँ पर जौनपुर की जनता जो है सुबह सुबह किस तरीके से तैयार हो जाती, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और आज हम बात करेंगे जौनपुर की जनता के मन में क्या है, उनके दिल में क्या है, क्योंकि जौनपुर में चुनाव है और ऐसे में चुनावी समीकरण यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, जौनपुर की जनता के मन में क्या कुछ है और वो जो तमाम उम्मीदवार पार्टियों की तरफ से उतारे गए हैं उनको लेकर उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ समझना है। और इसके साथ ही आप जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उनके लिए किस तरीके के समीकरण उनके मन में बैठाए जा रहे हैं वो बताएंगे। यहाँ पे तमाम लोग जौनपुर के मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आप क्योंकि मताधिकारी है, बहुत बड़ा उनके फर्ज है कल मतदान करना, जौनपुर में मतदान है, ऐसे में जौनपुर में क्या कुछ बदलाव देखे गए हैं, 25 मई को मतदान है और ऐसे में जो उम्मीदवार तमाम पार्टियों की तरफ से उतारे गए उनसे उनको क्या कुछ उम्मीद है, जो सांसद ने क्या कुछ काम किया है वो उनसे जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम रोहित सिंह भारद्वाज है। 25 मई को चुनाव है, तैयार है आप? बिल्कुल, हम सबसे कहेंगे कि उस दिन पहले काम वोट दीजिए, उसके बाद कोई और काम करिए। अच्छा, जौनपुर की अगर बात करें, ये 5 साल में जौनपुर कितनी बदली है, जो मौजूदा सांसद है उन्होंने क्या कुछ काम किया है? मौजूदा सांसद कुछ नहीं किए, केवल अपनी बिरादरी में टाले हैं, लेकिन इसका फायदा उनको मिल रहा है। इसी कारण लड़ाई त्रिकोणी बना दिए, आज आधा यादव उनके साथ है, आधा अकलियत को वोट उनके साथ है और इसी बेस पे वो हरिजन वोट लेकर लड़ाई त्रिकोणी बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा खूब अच्छी लड़ाई लड़ रही है। यादव वह पोम है कि बिरादरी देखें और यादव यहाँ पर अखिलेश संदेश देना चाहता है। अखिलेश यादव जी, आप 2.5 लाख यादव वोट में आपको यादव नहीं मिला, बाबूसू कुशवाहा भेज रहे हैं भाजपा से। यादव को संदेश देना चाह रहा है कि हम श्याम यादव को वोट करके भले भाजपा जीत जाए, हम बाबूसू कुशवाहा को वोट नहीं करेंगे। आप एक भ्रष्टाचारी को हमको टिकट दिए हैं, बहुत नाराज है यादव यहाँ का। काफी नाराज दिख रहे हैं आप कुशवाहा जी से, कुशवाहा जी के नाम। कुशवाहा जी अभी ट्रायल चल रहा है उनका नाराजम घोटाले में, जमानत पे है वो। अखिलेश जी जनपुर मतदाता क्या देना चाह रहे हैं? यादव आप यहाँ यादव कितने बैठे उनसे पूछे जरा, सब इतने नाराज हैं। अरे यहाँ यादव रहे हैं, पास में यादव सांसद रहे हैं, लक्की यादव विधायक हैं, उनको आपको उनको नहीं। आप अखिलेश यादव से नाराज चल रहे क्योंकि कुशवाहा जी को उन्होंने टिकट दे दिया, लेकिन बसपा से क्या नाराजगी है? बसपा से हम नाराजगी नहीं, बसपा तो भाई हम कह रहे हैं यादव आधा वोट जा रहा है यादव का, आधा वोट अकलियत का जा रहा है बसपा का, क्यों जा रहा है? श्याम यादव उनके बीच 5 साल रहे हैं, यही रहने वाले रानीपुर के हैं, इसलिए उनका आधा वोट जा रहा है। सर क्या चुनावी समीकरण कह रहे हैं इस बार जौनपुर में? एकदम भाजपा एकदम टोटल आगे चल रही है, भाजपा का कोई जोड़ नहीं है। अब ये है कि यही यादव वहाँ पोम पड़ा है कि हम जाएं उनके पास कि इनके पास, यही है। और विकास के नाम पे तो बहुत विकास हुआ है, जौनपुर की सारी सड़कें एकदम सब फर्स्ट क्लास। यहाँ के सांसद जो है बसपा के श्याम सिंह यादव जी, उन्होंने काम किया? वो तो कोई काम ही नहीं किए, वो तो जिंदगी भर बस आराम, 5 साल आराम से बैठे रहे और उसी बिरादरी में अपने रहे और कहीं नहीं गए, किसी को नहीं पूछे, कहीं नहीं किसी ने निमंत्रण में गए ना, कि खाली बिरादरी के यहाँ गए बस। ये काशी के बगल है, इसका लाभ जौनपुर को बहुत मिला, चाहे 4 लेन है, चाहे रेलवे का डबल ट्रैक होना है, काशी अयोध्या के बीच होने का बहुत फायदा जौनपुर मिला। और योगी आपका क्या कहना? हमारा नाम अजय सिंह है, हमारा कहना यही है कि भारत की जनता से और जौनपुर की जनता से मोदी को वोट दें, देश का विकास हो। यही सर, आप 5 साल में आपका भी ये मानना है कि सांसद ने कोई काम नहीं किया है? देखिए, मैं बहुत कम शब्दों में आपको पूरा स्पष्ट स्थिति जनपद जौनपुर की बता दूं कि यहाँ जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। यहाँ नरेंद्र मोदी और योगी जी के जो उनके कार्य हैं, जो उनके मतलब जनता के लिए जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, जनता डायरेक्ट योगी और मोदी के नाम से जुड़ गई। किसी नेता की कोई वो मतलब ये नहीं है कि किसी नेता के नाते है। तो यहाँ देखिए, वो उनका काम चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो,
बिंद हो, लोहार हो, कहार हो, यादव हो, मुसलमान, जो भी योजनाएं आप देखेंगी वो सभी बिरादरी के, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो उनका नारा है। बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी उतारे गए कृपा शंकर सिंह जी, उनको लेकर भी काफी नाराजगी दिखी जा रही है। देखिए ऐसा है कि ये शुरू में हर परिवार में होता है, हर पार्टी में होता है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने जिसे तय कर दिया सारे लोग उसके साथ रहते हैं। ये कुछ क्षणिक होता है, दो दिन चार दिन, लेकिन ऐसा आप कुछ भी नहीं देखेंगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 2019 का चुनाव था, समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों गठबंधन में चुनाव लड़े थे। उस समय यहाँ 5,34,000 वोट पाके श्याम सिंह यादव यहाँ से सांसद हुए, और उसी समय भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ी थी। वह दो मुद्दे क्या होंगे सर इस बार के चुनाव में, क्या क्या मुद्दे? विकास के मुद्दे, सबका विकास, यहाँ अच्छी इंडस्ट्री लगाई जाएगी, यहाँ स्टूडेंट के लिए व्यवस्था की, यहाँ रोजगार की व्यवस्था होगी, और वो हमारे प्रत्याशी उसमें कामयाब रहेंगे। ठीक है सर, मुद्दा क्या रहेगा आपका इस बार, कौन क्या क्या कुछ मुद्दे जिस पर आप आज 25 मई को वोट डालेंगे? विकास और राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा, विकास और राम मंदिर। हाँ। बाकी यहाँ पे 5 सालों में क्या कुछ काम हुआ है जो बहुत सारे काम हुए हैं जौनपुर में ही। आप देख लीजिए, रिंग रोड का सर्वे हो चुका है, रिंग रोड बनने जा रहा है, हमारे बगल से बाईपास निकल गया, बाईपास नहीं था, 3-3 क्रॉसिंग थी, इतनी सरकारें आई गई, क्रॉसिंगों पर कोई काम किया ही नहीं कि ओवर ब्रिज बन जाए, अंडर पास बन जाए, लेकिन एक बाईपास बन गया, एक गौरा बादशाहपुर में बाईपास बन गया। सांसद जो है बसपा से सांसद है, उन्होंने काम किया है आपके बीच में कभी आए? बसपा से सांसद रहे, लेकिन वो ज्यादातर समाजवादी पार्टी के ही सांसद कहे गए। अच्छा। और वो मानते हैं कि यादव उनको वोट करेगा, लेकिन यादव सिर्फ अखिलेश यादव को ही यादव मानता है, नहीं तो उन्होंने अपने 5 घर के लोगों को और टिकट ही दिया और किसी और यादव को दिया नहीं, नहीं तो श्याम सिंह यादव को एक वोट नहीं मिल रहा है, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ हैं। सर आपके क्या कुछ मुद्दे हैं? हमारा मुद्दा यह है कि यहाँ का विकास हो, अच्छा चीज हो, हम चाहते हैं मोदी नरेंद्र यहाँ पे सबका भला करें, इसमें जात पात का कोई मतलब ही नहीं है, अगर जो मतलब रखता है अपने फायदे और। अच्छा, जौनपुर के लिहाज से जो भी उम्मीदवार बनाए गए, जो भी अगला सांसद आपका बनेगा, उनसे क्या कुछ उम्मीद है आपकी? उनसे बहुत कम उम्मीद है, यहाँ पे हम चाहते हैं बीजेपी यहाँ पावे, सबके लिए भला हो, और यहाँ के जितने नवयुवक है उनको रोजगार मिले, हर परिवार में बहुत गरीब। रोजगार तो विपक्ष लगातार मुद्दा उठाता आ रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार कहाँ दे रहे हैं, खाली चूतिया बना रहे हैं, यहाँ बीपीएड वाले भी आए यहाँ पे अपना प्रचार की कुल किए, समर्थन किए, लेकिन उनके साथ धोखाधड़ी किया गया यहाँ पे, यहाँ सब नाराज हो गए हैं एकदम से। यहाँ पर कई अन्य लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि देखिए कई लोगों में नाराजगी जो है साफ तौर पर देखी जा रही है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि काफी ज्यादा काम हुआ केंद्र की तरफ से, यहाँ पर काफी ज्यादा काम हुआ है। कुछ अन्य लोग भी मौजूद है, देखिए यहाँ से आप इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जौनपुर में, क्योंकि 25 मई को मतदान है, कितने तैयार है मतदान के लिए? सर आप सभी तैयार है मतदान के लिए? बिल्कुल तैयार है हम लोग। जौनपुर में विकास कितने हुए और इस बार आप तमाम लोगों के मुद्दे क्या कुछ रहेंगे? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है योगी जी, मोदी जी, इससे बड़ा मुद्दा हमको लगता है पूरे हिंदुस्तान कुछ नहीं चल रहा है। मतलब उन्हीं के नाम पे आप वोट करेंगे? और विकास की जो बातें आप कह रही हैं, जौनपुर में विकास नाम पे यहाँ पे माननीय राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार हैं, लेकिन अब विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास सभी जौनपुर कोसों दूर है, विकास सभी ऐसा कुछ नहीं है जो जौनपुर में कोई कह सके विकास हुआ है। ये चीज जो है कोई से आप पूछे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ विकास के नाम पे जौनपुर बहुत पीछे है। नहीं, नहीं। आप किसी रोड पे चले जाइए आपको धूल मिलेंगे, कहीं चले जाइए गड्ढे मिलेंगे। अब ये विकास की बातें की जा रही हैं, लेकिन मोदी योगी से हमको ये विश्वास है कि जिस तरह हम लोग उनको वोट दे रहे हैं उनके लिए हम लोग मतलब राम मंदिर, मतलब हिंदुत्व के नाम पे या राष्ट्र के नाम पे जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, अब उन्हीं से उम्मीद है कि हो सके विकास। इस बार मोदी जी तीसरी बार उनकी फिर गवर्नमेंट आएगी, योगी जी हमारे यहाँ ही उत्तर इस समय नगर पालिका अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का, जो कहा जाता है ट्रिपल इंजन की सरकार, तो इस बार जौनपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार है। अच्छा। अब ये देखता हूँ 3 साल बचे हुए हैं योगी जी के पास, 3 साल में कितने विकास होते हैं ये चीजें, अब आगे हम लोग 2027 में जब वोटिंग करेंगे वो देखेंगे कितना विकास हुआ जौनपुर। अच्छा सर, मैं जब सुबह सुबह यहाँ पर आई हूँ, सारे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक यहाँ पर एकदम एक्टिव मोड में सभी दिख रहे हैं, ये रोजाना ऐसी तस्वीरें यहाँ पर देखने को ऐसे रोज आप सभी यहाँ पर सुबह सुबह प्राणायाम करने के लिए। हाँ, 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 ठीक है, अगर जौनपुर की बात की जाए सर, तो
क्योंकि आपने कहा कि विकास के मुद्दे पर वोट डाला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रत्याशी जो है कृपा शंकर सिंह जी, उन्हें उतारा गया, जब नाराजगी देखी जा रही थी उनको बाहरी बताया जा रहा था। वो यहीं के रहने वाले हैं, बाहरी थोड़ी हैं वो, यहीं उनका गांव है तेजी बाजार के पास, कहां से बाहरी हो गए वो, बाहरी नहीं है वो, यही गांव के ही है। नहीं कह रहे कि महाराष्ट्र में बड़े नेता थे, जौनपुर में क्या काम करेंगे? पैदा तो जौनपुर में हुए हैं, गांव तो उनका जौनपुर है, कहां तो कौन कर रहा, बाहर के हैं वो। ठीक है, आप अगर जौनपुर की बात की जाए सर, जातीय समीकरण कैसे यहां पर बैठते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर सपा की बात की जाए या फिर बसपा की बात की जाए, आप कांटे की टक्कर दोनों के बीच में दिख रही है फिलहाल। नहीं, कोई कांटे की टक्कर नहीं, यहाँ बीजेपी जीतेगी। अच्छा, बीजेपी जीतेगी। हाँ हाँ, निश्चित जीतेगी। और यहाँ मोदी का और योगी का पूरी तरह से लहर है, पूरे देश में लहर है, और यहाँ पे जीतना तय है, लाखों वोट से जीतेगी, कोई टक्कर नहीं। तो देखिए यहाँ पे लोगों के मन में किस तरीके से, कुछ लोगों के मन में रोष है समाजवादी पार्टी को लेकर भी, बसपा को लेकर भी, मौजूदा सांसदों को लेकर भी काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। और यही कई लोगों का यही कहना है कि उनका मुद्दा विकास होगा, विकास के नाम पर वो वोट करेंगे। कुछ का कहना है कि जौनपुर में विकास की बयार बही है, और कुछ का कहना है कि जौनपुर में कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो ऐसे में 25 मई का दिन है, न्यूज वन इंडिया लगातार अपने दर्शकों से यही अपील करे, घरों से बाहर निकलिए, वोट करिए, क्योंकि आपका एक वोट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, आपका भविष्य तय करता है। कैमरा पर्सन रजा के साथ श्रावणी पटनायक, न्यूज वन इंडिया।